फ्रेंड्स, आज हम आपके मैथ्स पोर्शन में चैप्टर नंबर 9 रीड करेंगे, डेटा हैंडलिंग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, डेटा हैंडलिंग मतलब क्या होता है कि आपके पास जैसे कोई चीज़ें हैं तो उसको कैसे मैनेज करके रखें, उसको काउंट करके रखना पड़ता है ना कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें कितनी हैं। जैसे यहाँ पे कुणाल है, ठीक है, उसके पिताजी जो हैं वो उसको बर्थडे में रिटर्न गिफ्ट के लिए कुछ चीज़ें लेके आए थे, तो वो उसको काउंट करके उसको रखना पड़ेगा कितनी क्या है। जैसे यहाँ पे टेबल्स में आप देख रहे होंगे, तो इसको डेटा हैंडलिंग या डेटा इसको मैनेज करके रखना बोलते हैं। जैसे ये बुक है, ठीक है, डायरी है, तो ये कितनी है, यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 आया। ये कितनी है, ठीक है, क्रियॉन्स के कलर हैं, तो ये कितना है 1 2 3 4, ठीक है, ये भी 4 हैं। ये लंच बॉक्स है, ठीक है, पेंसिल बॉक्स है, ये कितने हैं, तो लंच बॉक्स कितने हैं 1 2 3 4, ठीक है, पेंसिल बॉक्स 1 2 3। तो ये हमको ऐसा लिखना है, इसको क्या बोलते हैं, डेटा हैंडलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जैसे यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी हुई है, लुक एट द फॉलोइंग डेटा ऑन चिल्ड्रन विथ डिफरेंट हॉबीज, काउंट एंड राइट द नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन विथ ईच हॉबी। यहाँ पे कुछ चिल्ड्रन दिए हुए हैं, उन कुछ हॉबियाँ दी हैं, तो जो चिल्ड्रन को कितने चिल्ड्रन को कौन सी हॉबी पसंद है वो आपको यहाँ पर काउंट करके लिखनी है। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल कितने लोगों को पसंद है 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 4। डांसिंग, डांसिंग कितने लोगों को पसंद है 1 2 3 4 5, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा 5। ठीक है, 1 2 3 को रीडिंग पसंद है और 2 को पेंटिंग पसंद है। अब इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। यहाँ पर हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन टोटल, टोटल कितने चिल्ड्रन हैं, ठीक है, तो आप इसको सबको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो कितने हैं 14। हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक टू प्ले फुटबॉल, फुटबॉल कितने लोगों को पसंद है 4, तो यहाँ पे हमने 4 लिखा। हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक टू डांस, डांस कितने चिल्ड्रन को पसंद है 5, तो 5 लिखा। इन विच एक्टिविटी आर द चिल्ड्रन लिस्ट इंटरेस्टेड, कुछ चिल्ड्रन जो कम चिल्ड्रन हैं उनको क्या पसंद है, कौन सी एक्टिविटी पसंद है जो है ना, तो क्या पसंद है, पेंटिंग, केवल पेंटिंग 2 लोगों को पसंद है, कम है ये चिल्ड्रन। ठीक है, यू मस्ट हैव हर्ड दिस राइम व्हेन यू वेयर स्मॉल, रीड इट अलाउड एंड देन आंसर द गिवन क्वेश्चन। यहाँ पे एक राइम दी हुई है, उसको आपको पढ़ना है और फिर उसके क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं। बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल, यस सर 3 बैग फुल, 1 फॉर माई मास्टर, 1 फॉर माई डैम एंड 1 फॉर द लिटिल बॉय हु लिव्स डाउन द लेन। ठीक है, तो हाउ मैनी टाइम्स इन द वर्ड एंड बींग रिपीटेड, जो एंड वर्ड है ना वो कितनी बार रिपीट हुआ है इस पोएम में, कितनी बार हुआ है 1 टाइम ही, क्योंकि एंड केवल यहाँ पर आ रहा है और कहीं नहीं है। हाउ मैनी टाइम्स इन द वर्ड सर, सर कितने टाइम्स हुआ है 2 टाइम, यस सर। ठीक है, हाउ मैनी टाइम्स इन द लेटर ओ, लेटर ओ जो है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, तो आपको काउंट करना है, मैंने काउंट किया था 12 आया है, आप भी काउंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू इज अ फ्रूट सेलर, ही सोल्ड द फॉलोइंग फ्रूट्स ऑन द डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक। राजू जो है फ्रूट सेलर है, वो डिफरेंट डेज में इतने फ्रूट्स उसने सेल किए हैं। ठीक है, जैसे मंडे को एप्पल सेल किया, ट्यूजडे को पियर, वेडनेसडे को बनाना एंड थर्सडे को ऑरेंज। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लिखना है ऑन विच, आप इसको काउंट करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं कितने फ्रूट है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है, ये 3 है, 1 2 3 4 5 6 है, ये 4 है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। ऑन विच डे डिड ही सेल द मैक्सिमम फ्रूट, मैक्सिमम फ्रूट किस दिन सेल हुआ, वेडनेसडे को। ऑन विच डे डिड ही सेल द लीस्ट नंबर ऑफ फ्रूट, कम फ्रूट किस दिन सेल हुए, थर्सडे को। हाउ मैनी ऑरेंज डिड ही सेल ऑन थर्सडे, थर्सडे को ऑरेंज कितने सेल हुए 4। डिड ही सेल चेरीज ऑन एनी डे, किसी दिन चेरी सेल हुआ नहीं, क्योंकि चेरी तो था ही नहीं उसके पास, तो यहाँ पे क्या आया नो। ओके, नेक्स्ट आपका आता है एक्सरसाइज, यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, उन पिक्चर्स को काउंट करके आपको रखना है। जैसे हाउ मैनी ट्राइंगल काउंट करना है, लिखना है हाउ मैनी स्टार, ठीक है, हाउ मैनी सर्कल, हाउ मैनी क्लाउड, ये क्लाउड है कि ये कितना है, ठीक है, तो ये सारे काउंट करके आपको लिखने हैं। ओके,
तो ये आपके चैप्टर कंप्लीट होता है। ये सारी एक्सरसाइज केवल आपको बुक में फिल करनी है, ठीक है, हम कॉपी में नहीं लिखेंगे। छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, आप केवल बुक में फिल करेंगे और बुक से ही एग्ज़ाम में आएगा, तो आप अच्छे से इसको रीड करेंगे, ठीक है।